पलामू जिले के डाल्टनगंज मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में जजे एमपी का सब जोनल कमांडर भवानी भुइया उर्फ भागीरथी ने किया आत्मसमर्पण। डीआईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी चंदन सिन्हा, डीसी शशि रंजन, एसडीपीओ के विजय शंकर के समक्ष किया आत्मसमर्पण। भवानी भुइया को जिला प्रशासन के द्वारा 1,00,000 रुपये का दिया चेक, साथ ही माला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित भी किया। पलामू जिले के रामगढ़ के हुटार का रहने वाला है भवानी उर्फ भागीरथ भुइया। महेश भुइया और रामसुंदर राम के इनकाउंटर के बाद बना था कमांडर। 5 बड़ी घटनाओं का अंजाम का है आरोपी। भवानी भुइया वर्ष 2016 से दस्ते में शामिल है। भवानी भुइया के पास से आत्मसमर्पण के दौरान बरामद किया गया सामान की सूची है: एक इंसास राइफल का मैगजीन 3 पीस, इंसास राइफल की गोली 83 चक्र, एक HE-36 ग्रेनेड कैंपिंग इक्विपमेंट, जजे एमपी लेटर हेड गोली रखने का 2 पाउच। डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त शशि रंजन, एसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की दी गई जानकारी। संगठन का एक आउटफिट JJMP का एक कमांडर अगर सरेंडर करता है तो ये हमारे लिए तो बड़ी सफलता है। क्या है कि हर छोटी छोटी चीज़ें ही जोड़ेंगी बड़ी कड़ी में। तो ये एक कमांडर था JJMP का और ये सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अगर ये सरेंडर किया है, प्लस मेरे ऑफिसर्स के सिंसियर एफर्ट बोलिए, प्रेशर बोलिए, उसके बेसिस पे इसने सरेंडर किया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उग्रवादी संगठन है, वो माओवादी हों, JJMP हों या TPC हो, ये हमेशा अपने कैडर को जो है भ्रम में रखते हैं और जब भी उन्हें लगता है कि उनका कोई कैडर उनसे असंतुष्ट है और सरेंडर कर सकता है, वो इस तरह की गलतफहमी उसके मन में डालते हैं कि भाई पुलिस पकड़ के मार देगी, इनाम के लिए मार देगी, अपने क्रेडिट के लिए मार देगी। और इस कारण से भी ये रुका हुआ था और जब हमारे पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट हुआ तो पुलिस ऑफिसर की बात पर इसको भरोसा हुआ। और हम आज भी कहते हैं कि एक नक्सली को मार कर हम खुश नहीं होते हैं, हम सरेंडर करा के खुश होते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए अगर वह कोई सरेंडर करता है तब उग्रवादी दस्ते से कोई आदमी कम होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती है, बशर्ते कि जब हम किसी को इनकाउंटर में मारते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है वो TPC के हों, JJMP के हों, माओवादी के हों, अपराध और उग्रवाद की ज़िंदगी छोटी होती है, वो आए मुख्य धारा में आए और निश्चय ही उनको हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफ़ी आकर्षक है और इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और जंगल की ज़िंदगी जो है वह आपको कहीं नहीं ले जाएगी। अतः मेरी अपील है किसके नेतृत्व में काम करता किस वर्ष से आप दस्ते में शामिल हैं, किसके लिए काम करते थे? सर हम तो 2016 से काम करते थे और काम करते करते ही मतलब हम सुशील जी की टीम में हम काम करते हैं और मेरा ये गढ़वा पलामू इलाका मेरा मिला हुआ था और इसी में हम अपना रह रहे थे, नॉर्मल आते थे जाते थे। कोई बड़ी घटना जिसमें आप शामिल हुए हैं? कोई बड़ी घटना में शामिल नहीं सर। सरेंडर करने के कारण क्या और सरकार की नीति से कितना जो है सो आप लगा रहे थे? सर हमको नाम भवानी जी और भागीरथी भैया, हम रामगढ़ क्षेत्र रहने वाला हूँ, उटार मेरा गाँव है। सर हमको सरेंडर करने के यही है कि हम सरेंडर में मतलब लोगों देखे थे प्रचार में और हम न्यूज में, तो उसमें मेरा नेता लोग बोला कि सिलेंडर नहीं करना है तुमको और हम अपना सोचे कि सिलेंडर करना ही चाहिए हमको, अच्छा नहीं है। हम अपना सिलेंडर मतलब किए तो नेता लोग मेरा बोला कि नहीं, सिलेंडर करने से पुलिस मारकर अपना लाभ उठा लेती है और अपना नाम कमा लेती है। और तो इस धार से हमको समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमको पता चला या हमको विश्वास भी हुआ कि मतलब पुलिस अपना झारखंड सरकार से हमको दिलाते हैं बहुत सारे लाभ, बहुत सुरक्षा हमको मिलता है और हम इसी को आधार से हम अपना साथी लोग से हम अपना बोलना चाहते हैं कि लोग जो साथी अपना जुड़े हमको ये क्या बोलता है अपना आत्मसमर्थन में सर। ठीक।
अच्छा बहुत बढ़िया।